नमस्कार, आप देख रहे हैं जे जे एन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं प्रदेश की कुछ खबरों की तरफ। कोरोना का कहर चारों तरफ फैलता जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक कम पड़ रही हैं। वहीं अब दूसरी तरफ राजपुरा स्थित शमशान घाट में कोरोना से हुई मौत के शव का अंतिम संस्कार करने के बाद पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स बाहर खुले में फेंके जा रहे हैं। अन्य शव भी कोरोना पॉजिटिव शवों के साथ ही जलाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर पार्षद सहित स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान लोगों की प्रशासन से नोकझोंक भी हुई। पार्षद का आरोप है कि कई बार प्रशासन से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। न यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और न ही शमशान के बाहर साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है। जो कि विरोध पब्लिक ने करा है, पब्लिक ने कोई विरोध गलत नहीं करा, बिल्कुल सही विरोध करा है। क्योंकि यहाँ पे गेट के सामने बिल्कुल पीपी किट वगैरह, ग्लव्स वगैरह सब चीज़ें बाहर फेंक दे रहे, और इससे कोई इसमें कोई प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। जो कि मेरी सुबह बात सिटी मजिस्ट्रेट साहब को मैंने फ़ोन करा, एसडीएम साहब को मैंने फ़ोन करा, उसके बाद तो कोई कार्रवाई नहीं हुई गई। लास्ट में पब्लिक आई जब तो तब प्रशासन की नींद जागी और तब यह प्रशासन पहुंचा। और उनका यहाँ के लोगों का कहना बिल्कुल सही है कि जो यहाँ बॉडी जल रही है, दो दो बॉडी जल रही है, एक तरफ कोरोना की बॉडी, एक तरफ जो घरेलू जिसकी मृत्यु होती है उसकी बॉडी, दोनों ही एक संग जल रही है। जब प्रशासन चाहता कि दो गज दूर रहे और मास्क पहने और तमाम गाइडलाइंस के उपदेश देता है, वो उपदेश का पालन यहाँ कम से कम ये शमशान घाट के अंदर तो नहीं। शमशान घाट के बाहर स्थानीय लोगों और पार्षद के हंगामा काटने पर प्रशासन की नींद खुली। तहसीलदार खुद मौके पर पहुंची। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रतिदिन दो बार शमशान घाट को नगर निगम की टीम द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा। समिति के लोग एक कूड़ा दान यहां रखेंगे जिसमें मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट डाली जाएगी। क्षेत्र के लोगों की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। मेन जो इन लोगों की प्रॉब्लम थी कि यहाँ सैनिटाइज नहीं हो रहा है, कुछ पीपी किट्स, ग्लव्स बाहर पड़े हैं, अंदर पड़े हैं, उसको लेके मेन इनका शिकायतें थी, जिस पे बात हो गई है। नगर निगम का एक टैंकर आएगा दिन में दो बार, जो दो बार घाट को सैनिटाइज करेगा। अंदर जो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं गर्ग जी, उनसे बात हो गई, वो एक डस्टबिन गेट पर रखेंगे जिसमें सुबह कूड़ा सारा डलेगा और नगर निगम की गाड़ी आके बाहर का और डस्टबिन का कूड़ा सारा लेके जाएगी। इसके अलावा मेन इनका आ रहा था कि भाई ज़्यादा बॉडियाँ हो रही हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट होगा, तो उसके लिए डीएम सर कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। बाकी अभी सैनिटाइजेशन और सफाई के लिए इनको बता दिया है, उसकी व्यवस्था हो गई। कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम नैनीताल ने आज मिनी स्टेडियम में बनाए जा रहे कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अस्पताल में बनाए जा रहे बेड की तैयारियों की जानकारी भी ली। उम्मीद जताई जा रही है कि कल तक मिनी स्टेडियम में 100 बेड शुरू हो जाएंगे। मिनी स्टेडियम में ऑक्सीजन सहित 200 बेड की व्यवस्था की गई है। डीएम के मुताबिक इस समय आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत ज़्यादा है। उन्होंने साफ किया कि ज़िले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और हर संभव कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसमें देखिए, एक तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सुशीला तिवारी में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं पूरे कुमाऊँ से आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके केवल हल्द्वानी से आ रहे हैं। तो जो सूचना हमें मिली है वहाँ पे बेड कैपेसिटी अब नहीं के बराबर रह गई है, इसलिए अब अल्टरनेट यहाँ पे मिनी स्टेडियम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज या कल में हम लोग उसको स्टार्ट कर ले जाएंगे, मिनिमम 100 बेड का। तो और धीरे धीरे फिर और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी देखेंगे कहाँ कहाँ इसका और बढ़ सकता है, तो वहाँ भी इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और बाजाला वगैरह जिन जगहों पर और हम लोग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर वगैरह लगा के, तो हम उसको बढ़ाने की कोशिश करें। महाकुंभ के आखिरी शाही स्नान के समापन के बाद कुंभ मेला पुलिस के अधिकारियों ने भी हर की पौड़ी पर शाही स्नान किया। आखिरी शाही स्नान में सभी 13 अखाड़ों ने संतों के प्रतीकात्मक रूप से गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। अखाड़ों ने स्नान खत्म होने के बाद कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल, कुंभ एसएसपी जन्मेजय खंडूरी समेत करीब 20 पुलिसकर्मियों ने पूजा अर्चना कर गंगा स्नान किया। आईजी संजय गुंजियाल ने कुंभ में तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों और पुलिसकर्मियों को बधाई दी। साथ ही संजय गुंजियाल ने सभी 13 अखाड़ों के संतों, कांग्रेस सेवा दल, पीआरडी, होमगार्ड्स और केंद्र से आई पैरामिलिट्री फोर्स को भी कुंभ संपन्न होने में बधाई दी। हरिद्वार महाकुंभ में 12 और 14 अप्रैल के शाही स्नान के बाद हरिद्वार में तेजी के साथ कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। केंद्र द्वारा कुंभ पर लगाई गई एसओपी को लागू कराने में मेला प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हुआ था और अब कुंभ के आखिरी स्नान होने के बाद मेला प्रशासन के अधिकारी हरिद्वार की जनता को तेजी से बढ़ते कोरोना से सावधानी बरतने के बजाय बधाई दे रहे हैं। 1 जनवरी से आज तक 11 स्नान पर्व और जिसमें 4 शाही स्नान सकुशल संपन्न हो गए और इसमें उत्तराखंड पुलिस के समस्त रैंक एंड फाइल के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और आज जब चौथा शाही स्नान विपरीत परिस्थितियों में, जबकि कोरोना संक्रमण का काल है जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम लोग को
सिंबॉलिक तरीके से कराने की जिम्मेदारी थी, तो वो भी सक्सेसफुली संपन्न हो गया है। जो हरिद्वार की जनता है उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उनके सहयोग के बगैर ये जो सफलता है ये पॉसिबल नहीं थी। पुनः मैं आप सभी को जिनका नाम लिया है और जिनका नाम अभी मैं ले नहीं पाया उन सभी को मैं दोबारा धन्यवाद देता हूँ। रामनगर में कोविड की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ रामनगर में जिलाधिकारी नैनीताल ने 27 अप्रैल से 3 मई तक पूर्ण कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ रामनगर में रोज 250 से 300 जांचें की जा रही हैं, जिसमें रामनगर में रोज 50 से 60 कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। रामनगर में 4 कोविड सेंटर बनाए गए हैं जिसमें पॉजिटिव मरीजों को रखा जा रहा है। साथ ही जिन व्यक्तियों की जांच की जा रही है उनकी जांच रिपोर्ट आने तक उनको होम आइसोलेशन किया जा रहा है। देखिए, रामनगर के जहां तक सवाल है, हम लोग 250 से 300 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं और जो हमारे पॉजिटिविटी रेट है वो 250 से 300 में 40 से लेके 50-60 तक के बीच में आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 15% जो पॉजिटिविटी रेट है 15 से 20 के बीच में चल रहा है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि RT-PCR नेगेटिव आ सकता है इस स्ट्रेन में, और CT जब HR-CT करते हैं हम और जो बाकी जांचें करते हैं तो उसमें कोविड का निमोनिया आता है और उसके द्वारा भी कोविड की क्या कहते हैं डायग्नोसिस बनाई जा सकती है। तो लोग इस भ्रम में ना रहें कि RT-PCR नेगेटिव है और हमारे को कोविड नहीं है। गोचर के भट्टनगर में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना का कार्य कर रही DBL कंपनी में कुछ लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसकी रोकथाम के लिए जिलाधिकारी चमोली द्वारा DBL कंपनी परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन कंपनी के कर्मचारी कंपनी परिसर से खुलेआम आवाजाही कर रहे हैं, जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कंपनी में कई स्थानीय कर्मचारी ऐसे हैं जो दिन भर काम करके शाम को कंपनी परिसर से अपने घरों को जा रहे हैं। इतना नहीं, कंपनी की गाड़ियां किसी न किसी काम से बाहर बाजार जा रही हैं, जिससे गौचर क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में कोरोना महामारी मौत बनकर फैल रही है। लोगों ने मांग की है कि तुरंत कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि कंपनी इस तरह से कोरोना महामारी अधिनियम की धज्जियां ना उड़ाए। देखिए, आप मुझे जो इसमें जिस लोकेशन पर देख रहे हैं, ये गौचर भटनगर वाला जो एरिया है जिसको कल ही जिलाधिकारी चमोली के द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, और जैसे कि आप मुझे मेरे बैक साइड पर देख रहे हैं, ये पूरा एरिया अकॉर्डिंग टू प्रशासन की पूरा सीलिंग इसको किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीलिंग जैसी कोई बात नहीं है। कंप्लीट यहाँ पर जो है लोगों की आवाजाही बनी हुई है, और जैसा कि निर्देश हुआ था कि जिलाधिकारी के द्वारा कि यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई जाएंगी PWD के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर लोकल पुलिस यहाँ पर रहेगी। प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN News के साथ। नमस्कार।